हे गाइस, वेलकम बैक एंड लेट्स कंटिन्यू लोअर कालरथ। पिछले एपिसोड में अपन ने पिलग्रिम्स पर्च की खरीद के वो जो नए लोकेशन अनलॉक कर रहा था एंड कुछ लूट वगैरह थी वो सब एक्सप्लोर करके ख़त्म कर दिया था। तो अपेरेंटली उसने दो नए लोकेशंस अनलॉक किए, बट वो दोनों अपन करंटली जो एरिया में उससे भी हाई लेवल वाले एरिया, तो वो अपन अभी फ़िलहाल उसे पार नहीं करने वाले। बट डेफिनेटली उधर जाने से अपन को कुछ बढ़िया लूट वगैरह मिली। सबसे मेन जो नोटिस वाली लूट है वो अपना थ्रोएबल एक्स जो है वो अपन को एक अपग्रेडेड वर्जन मिल गया जो ऑलमोस्ट डबल डैमेज करता है जो पहले जो एक्स था उसके कंपैरिजन में। बाकी अपन को कुछ आर्मर सेट वगैरह मिले, अपन ने एक मिनी बॉस को भी मारा, कुछ हैमर्स वगैरह भी मिले जो स्ट्रेंथ एंड रेडियंस स्केलिंग वाले थे। बाकी जो एरिया है उनका लेवल काफ़ी हाई है तो फिलहाल अपन वो एरिया करने नहीं वाले। बाकी ये कालरथ अपन ने पिछले एपिसोड में एक स्टार्ट किया था तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। मार्क इंक्रीजेस इन्फर्नो एट्रीब्यूट। ओके, ये देखते हैं ये क्या सिंगल हिट करेगा इसको। नाइस, करता है। एक सेकेंड, वहाँ पे ये शॉर्टकट अनलॉक होगा। नीचे कुछ बड़े एक वो रूइनर जो बॉस को अपन ने मारा था ना उसी का नॉर्मल वर्जन है। मैं नोटिस किया जिन मिनी बॉसेस को अपन मारते हैं वो बाद में नॉर्मल बॉसेस मतलब नॉर्मल एलीट एनिमीज बन के आ जाते हैं। I just can't. It's not the darkness or the hazards. It's the things the darkness shows you, whispers to you. I close my eyes at night, and every time it's like I'm back down in the mine, like I'm trapped, and I'll never escape, and I can't breathe, and there's something looming over me, over the whole world. I feel like I'm losing my mind. Naam nahi bataya kaun tha wo. सवाल ये है कि अपन को अम्ब्रल रेल में जाना चाहिए क्या इधर की, नॉर्मल रेल में जाने के बाद जाओ। जाके आते हैं, क्या जा रहे हैं, कुछ लूट वूट होंगी एक्स्ट्रा तो दिख जाएगा अपन को। ओह शिट, वो अकेला नहीं है। बट डैमेज क्या कर रहा है अपना एक्स? अरे बढ़िया, ये अपना वो अपग्रेड करने वाला आइटम है। ये क्या कहते हैं इसको, अपना जो लैंप है उसको अपग्रेड करने वाला चीज मिल गया अपन को। यहाँ पे और कुछ है क्या लूट वूट? जस्ट चेकिंग, नहीं तो अपन भाग जाएंगे यहाँ से। उसने बर्न बिल्डअप कर दिया था, थोड़ी सी एचपी जो रह गई थी वो भी चले गई। कोई नहीं, आई थिंक एक और लूट राइट की तरफ रह गया, उधर उठा के निकलते हैं। अम्ब्रेला रेल में और कुछ है नहीं तो फालतू में बार बार अम्ब्रेला रेल में जाके लड़ने की जरूरत नहीं होता। ये क्रॉसबो वाले को पहले निपटा लेंगे अपन। तो
उसके बाद उस रूइनर से लड़ लेंगे। एक्स तो काफी बढ़िया डैमेज कर रहा है, कुछ कुछ एनिमीज का अगेंस्ट बहुत बढ़िया कर रहा है जो अपन को थ्रो। वो इतना अच्छा डैमेज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो स्केल भी स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी के साथ करता है, बी स्केलिंग दे रहा है स्ट्रेंथ में। परेशान कर दिया था पिछले बार इसने। वार्ड अगले बार अपन को जब एक परमानेंट चेक पॉइंट मिल जाएगा या फिर अपन सीड वीड लेंगे तो उसके बाद अपन जाके अपग्रेड कर लेंगे अपना लैम्प। ओह नाइस, इसी की तो जरूरत थी। तो अभी ये शॉर्टकट खुल गया है तो नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। अपन यहाँ से आके काफी कंफ्यूजिंग सा एरिया बनाया हुआ है ये पूरा। ओके मैं अम्ब्रेल रेल्म में ऊपर चढ़ सकता हूँ यहाँ पे। सेरेटेड स्टाफ, सेरेटेड स्टाफ पोला में स्ट्रेंथ डी सी माइनस और ब्लीड कर रहा है ये। ओके क्वालिटी वेपन जो ब्लीड कर रहा है एंड थोड़ा सा डेक्स के तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है। नॉट बैड पोला, मतलब तुम्हारे नॉर्मल डेक्स वेपन्स के हिसाब से थोड़े स्लो होते हैं बट इनका रेंज अच्छा होता है। अच्छा उधर ऊपर एक एनिमी है,
Is this a checkpoint? मतलब checkpoint की sorry shortcut? जो मैं अम्ब्रेल में ही आके खोल सकता हूँ ऐसा कुछ है क्या? वहां से लूट उठाई थी मैंने. इधर एक रास्ता ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक रास्ता है दूसरा जो आई डोंट नो एग्जैक्टली ये किधर जा रहा है. ये दरवाजा खुलेगा या नहीं? अरे ठीक है, लेकिन मैंने सीढ़ी गिराई है. समझा नहीं वो जो एक रास्ता ऐसा आ रहा है उसका. एक सेकेंड, तो यहाँ से मुझे नीचे में एनिमीज को तो मारना ही पड़ेगा तभी मैं सीढ़ी चढ़ पाऊंगा, क्योंकि उधर एक विच है फायर वाली, वो रेंज्ड अटैक करते रहेंगी. तो वो मुझे घुमा फिरा के यहाँ पे ला रहा है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली डेड एंड है, यहाँ से रास्ता आगे नहीं जा रहा है. एवरेंटली मुझे नीचे उतरना पड़ेगा. फिर मतलब क्या हुआ ये एक लोकेशन का जो अनलेस मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो अलग बात है. ये क्या अंदर इसके, ये अजीब सा क्या बना हुआ है? यहाँ पे कुछ लिफ्ट विफ्ट है क्या? देख के लग तो नहीं रहा है. नॉट एग्जैक्टली श्योर पॉइंट गया था वो, ये ऐसा छोटा सा ये बनाने का राउंड राउंड ऑफ एरिया. एनी वेज अपन आगे चलते हैं. फायर नाइट एंड यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है. जाना किधर चाहिए अपन को पहले? अम्ब्रेल में घुसना पड़ेगा वो अगर पार करना है तो. Fallen Lord's Sword, okay. I think Grand Sword लग रहा है वो. अच्छा वो अपन इधर आए, हीलिंग आइटम मिल गया. बाय बाय.
यहाँ पे फ्लावर लगाने का ऑप्शन है, बट ये अपने एक्चुअल पाथ से बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हो गया है? मुझे लग रहा है अपन को उधर जाना है जहाँ पे फायर नाइट का है ना। आई थिंक अपन को उधर जाना है, नॉट श्योर। उठाया क्या वहां से? मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे एक फ्लावर बेड इधर लगा लेते क्योंकि अपन काफी आगे आ गए। ओके, आई थिंक अपन को रेस्ट करने के बजाय मुझे लग रहा है हमें पीछे जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि चेक पॉइंट तो लग गया है, तो अब इधर फास्ट ट्रैवल करके आ जाऊंगा। सामने रास्ता जा रहा है, बट अगर मैंने रेस्ट कर लिया ना, तो ये जो भी इतने निमीज मारे मैंने, ये सब के सब वापस स्पॉन हो जाएंगे, अपन को हेडेक हो जाएगा। अभी जहाँ पे मैंने फ्लावर बेड लगाया वहाँ से आगे और एक्सप्लोर करने वाला है, तो मेरे हिसाब से जहाँ पे मैंने नाइट को जहाँ पे फायर नाइट देखा था ना, वो एरिया मतलब ऐसा कुछ साइड एरिया टाइप का होगा जहाँ पे कुछ लूट या समथिंग है। ये था क्या पहले इधर? मैंने मिस किया। अपन अम्ब्रेल रेल में थे तो मेरा ध्यान, ओ लॉल, that was really convenient. अब मुझे लगा अपन वो बड़ा दरवाजा में भी अनलॉक कर सकते होंगे। एक सेकेंड, कुछ अम्ब्रेल का चक्कर तो नहीं है इधर? हाँ है, अम्ब्रेल का ही चक्कर है, क्योंकि दरवाजा अलग सा दिख रहा है, एकदम बड़ा सा बना के रखा है इन्होंने। ओह नाइस, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं घूम के अपने चेक पॉइंट पे आ जाऊंगा वापस। वहां पे एक लूट है, वो कैसे उठाया जाए? वो लूट कैसे उठाएंगे अपन? मुझे लगा अपन ऊपर से कैसे ड्रॉप करेंगे, बट
यहाँ से मैंने ड्रॉप किया तो भी मैं पहुँचूंगा नहीं उधर। हाँ वहाँ पे उसके सामने देख रहे हैं एक टूटा हुआ रास्ता, वहाँ से कैसे उठाना रहेगा उसे। स्मॉल डिलीरियम रेविजर ग्रिगरीज रोजरी, ये तो शायद वो लेगा, डनमायर लेगा अपने से। आई थिंक यहाँ से मैं उठा सकता हूँ उसको। ये नीचे वाला एरिया तो अपन ने ऑलरेडी पार किया हुआ एरिया। वो देखो वो एक फायर एक्स वाला बंदा बैठा है, उस तरफ तीन स्कल्स है जो तुम पे फायर थ्रो करते हैं, एंड यहाँ पे एक विच होंगी इस तरफ नीचे। स्पॉन नहीं हुई क्या यहाँ पे? होनी तो चाहिए एक विच, दिख नहीं रही है, यहाँ पे एक विच होती है। हाँ तो अपन एक्चुअली वहाँ पे जो टूटा हुआ दो कनेक्टर है वो अपन अम्ब्रेला में जाके क्रॉस करके यहाँ पे आते हैं, एंड इधर आके अपन ने ये चेक पॉइंट लिया था। हो गया दो तीन एपिसोड हो गया, क्योंकि अपन ने पिछले एपिसोड में पिलग्रिम्स पॉच की का काम किया था ना। ओके सो टेक्निकली ये शॉर्टकट पहले अनलॉक करना चाहिए था, क्योंकि ये शॉर्टकट अनलॉक हो गया उसके बाद तुम रेस्ट करके तुम वापस जाके फिर अपन ने जहाँ पे वो फ्लावर बेड लगाए तुम वहाँ पे जा सकते हो। बट अपन सीधा वहाँ पे जाके आए एंड फिर शॉर्टकट मैंने बाद में अनलॉक किया। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ से सीधा अभी टेलीपोर्ट करके उधर ही चले जाएंगे। एनीवेज अपन ने कुछ वेपन्स वगैरह उठाए, अब क्या क्या उठाए, एक लॉर्ड सॉर्ड कुछ उठाया जो देख के ग्रेट सॉर्ड लग रहा था। इट इज़ ग्रेट सॉर्ड बट स्ट्रेंथ स्केलिंग नहीं है, इन्फर्नो वाला है। ओके मैं थोड़ा जेलस तो हूँ क्योंकि इन्फर्नो का एक ग्रेट सॉर्ड है, बट ये एक अच्छी बात है। यूजुअली जो एलिमेंटल बिल्डअप वाली चीज़ है ना, मेज बिल्डअप वाली है, उनको छोटी मोटी वेपन्स ही मिलते हैं, बट इसमें गेम ने अगर तुम इन्फर्नो बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हें एक प्रॉपर ग्रेट सॉर्ड दी है जिसको 30 इन्फर्नो चाहिए। इसका वेट भी ज़्यादा है मेरे वेपन से, एंड ये दिखता भी बहुत बढ़िया है। मूवसेट तो सेम ही है, मूवसेट सेम ही है, मूवसेट में कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि ग्रैंड सॉर्ड है, बट देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और क्या है अपने इस पे बर्न 200 है, इस पे इग्नाइट 300 है, तो इग्नाइट और बर्न में डिफरेंस है। तुमने बर्न तो नोटिस कर लिया होगा कैसे लगता है, मुझे थोड़े बहुत हिट करने पड़ते, एक बार बर्न बिल्डअप हुआ तो उनकी थोड़ी थोड़ी एचपी टिक होते रहती है, 7-8-9 ऐसे ऐसे डैमेज पड़ता है। ऑन द अदर हैंड इग्नाइट जो है क्योंकि इसका बिल्डअप 300 है, यानी कि इससे ज़्यादा जल्दी बिल्डअप होगा, एंड जब ये बिल्डअप होता है तो काइंड ऑफ एक ब्लास्ट होता है जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डैमेज 200, 300 या 100 जो भी डैमेज है वो करता है, एंड उसके आसपास कुछ एनिमीज रहे तो ब्लास्ट से उनको भी डैमेज होता है, तो एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए काफ़ी बढ़िया। बट ये अनफॉर्चुनेटली इन्फर्नो में 30 चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा है, मेरा इन्फर्नो 8 है। अगर 20 होते तो शायद मैं डाल के ले भी लेता क्योंकि वो बहुत बढ़िया लग रहा है, बट 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसके अलावा और क्या उठाया अपन ने? ब्लडी ग्लोरी अभी उठाया था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा, पहले अपने पास था कि नहीं। ग्रैंड सॉर्ड है, 300 ब्लीड, 32 रेडियंस, तो रेडियंस स्केलिंग वाला हो गया, स्ट्रेंथ स्केलिंग ही है इसकी। ये तो पहले से था। फिट्सरॉय सॉर्ड तो अपन पहले उठा चुके थे, आई थिंक जब इसका आर्मर सेट उठाया था तब उसके साथ मिला था। दो ब्लीड वाले ये नहीं है, लॉन्ग सॉर्ड है, ये ग्रैंड सॉर्ड है। रोजनमंड सॉर्ड, हाँ इसके बारे में बात करना चाहता था, ये अपन ने काल रात वाले एरिया में ही उठाया था दो एपिसोड पहले। इसकी सबसे बढ़िया बात है ये सारे जो चार एट्रीब्यूट है, रेडियंस, इन्फर्नो, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इनके साथ स्केल करता है। ये काइंड ऑफ टेक्निकली देखा जाए तो एक अम्ब्रेला वेपन है क्योंकि रेडियंस सी माइनस, इन्फर्नो सी माइनस है, बट ये वेपन सबसे बढ़िया शाइन तुम्हारा न्यू गेम प्लस में करेंगी, जहाँ पे तुम्हारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में स्टैट्स में तुमने ज़्यादा पॉइंट डालो, क्योंकि ये सबके साथ स्केल कर रहा है। एंड ये लॉन्ग सॉर्ड है, ये दिखता भी सही है, ये देखो ऐसा लग रहा है किसी ने कोई स्लैब या पत्थर वत्थर को काट के ये सॉर्ड बनाया। लॉन्ग सॉर्ड है तो ऑब्वियसली मूव सेट थोड़े फास्ट रहेंगे एज कम्पेयर टू ग्रैंड सॉर्ड जो है। उसके अलावा और कौन सा और कुछ उठाया गया अपन ने? अपन ने एक क्रॉसबो उठाया मुझे याद है, ये तो अपन ने देख लिया था। ओलाम का मूव सेट देखते एक बार,
काइंड ऑफ पोलाम तुम्हें रेंज ज्यादा देता है जैसे मैंने बताया, एंड ये डेक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा लीन इन करते हैं, इस पे ब्लीड भी है। पोलाम और स्पीयर में डिफरेंस ये है, तुम्हारे स्पीयर के सारे मूव सेट ऐसे रहेंगे, ये जो पोक कर रहा है ना, पोक या थ्रस्ट बोल लो वैसे रहेंगे, बट पोलाम में तुम्हारे पास थ्रस्ट भी होता है एंड स्लैश भी होता है। स्पीयर में आई डोंट थिंक तुम्हें स्लैश वाला मूव सेट मिलता है, तो वो एक डिफरेंस है। स्पीयर भी काफी बढ़िया ऑप्शन है, अगर तुम शील्ड यूज करते हो तो शील्ड के साथ आएगा स्पीयर, काफी सही है। स्पीयर वाले कैरेक्टर मैंने थोड़ा सा ट्राई करके देखा था बट मुझे तो स्ट्रेंथ वेपन ही चाहिए इसलिए वो नहीं लिया। एक सेकेंड, एक वो भी तो रह गया, देखना वी गॉट अ स्ट्रेंथ स्केलिंग क्रॉसबो जो बर्न लगाता है 200, दैट इज नाइस। और क्या है अपन को, दोनों क्रॉसबो स्ट्रेंथ स्केलिंग है क्या? ये क्वालिटी स्केलिंग है, अपन को दो मिले, ये तो कुछ भी नहीं लगा रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? C प्लस, ये ज़्यादा अच्छा है क्रॉसबो। अगर मैं क्रॉसबो लेता तो मेरे पास बोल्ट कौन से हैं? ओके, तो एक क्रॉसबो पे अलग से 200 बर्न डैमेज, उसके साथ अगर मैं ये यूज़ करूँ तो मैं अलग से बर्न करूँगा। फायर बिल्डअप होता ना मेरा इन्फर्नो बिल्ड, तो ये काफ़ी सही रहता है, बट इसको यूज़ करने के लिए तुम्हें 20 स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो अगर कोई इन्फर्नो बिल्ड बना रहे हो 20 स्ट्रेंथ डाल लो, तुम्हारे पास काफ़ी बढ़िया रेंज आ जाएगा। एक ऑब्वियसली मैं हैवी चले जाऊंगा क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। और ये क्या है? ये रेडियंस, एंड ये क्या है? वेटेड बोल्ट, ये नॉर्मल बोल्ट है। ये मुझे लग रहा है अपन ने उस एनिमी से मिला है जो एक सांप टाइप के एनिमी होता है जो क्रॉसबो से मारता है, आई गेस अपन को उससे मिला है, बट मुझे भाई ये एक्स मेरा 500 डैमेज कर रहा है ऑलमोस्ट, तो मैं क्यों बदलूंगा उसको? और मैं जैसे जैसे और स्ट्रेंथ में पॉइंट डालूंगा ये और बढ़िया हो जाएगा। एक्स में यूज़ भी ज़्यादा कर सकता हूँ, मुझे एक बोल्ट यूज़ करने के लिए थ्री स्लॉट्स लग रहे हैं एमिनेशन की, इसको यूज़ करने के लिए मुझे दो लग रहे हैं। एनी वेज आगे बढ़ते हैं अपन, कैरेक्टर अपग्रेड के लिए कितना चाहिए भाई? ऑलमोस्ट 2000 चाहिए है क्या मेरे पास? 2000 जितना 800 हो जाएगा। स्टैमिना 20 हो गया, हेल्थ 30 हो गया। मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ थोड़ा सा पॉइंट स्ट्रेंथ में डाला जाए, स्ट्रेंथ को एक 40 तक कर ले अपन, उसके बाद मे बी हेल्थ को और दे सकते हैं। स्टैमिना मैं फ़िलहाल और पॉइंट नहीं डाल रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी मुझे लग रहा है स्टैमिना में और पॉइंट तभी डालने पड़ेंगे अगर मैं कुछ ड्यूल स्ट्रेंथ वेपन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ड्यूल ग्रेट सॉर्ड हो गए या फिर ड्यूल हैमर्स हो गए, बट उसके लिए फिर मुझे आर्मर सब उतार देना पड़ेगा भाई, नंगा घूमना पड़ेगा उसके लिए, वरना फिर मुझे ड्यूल स्ट्रेंथ वेपन छोटे वाले हैमर्स यूज़ करने पड़ेंगे जैसे कि ये वाले हो गए, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट। अगर तुम स्ट्रेंथ बिल्ड बना रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा बड़ा सा वेपन होना ही चाहिए। अपन को एक आए मिला है और अपने लैम्प का अपग्रेड भी मिला है, वो भी करेंगे अपन। यहाँ पे कुछ बदल सकते क्या आर्मर में अपन? ओके, एक्चुअली फिलहाल मैं वैनगार्ड सेट के तीन चीजें पहन सकता हूँ, ट्राउजर नहीं पहन सकता अभी। अपन उधर नीचे से आए थे ऊपर है ना,
रिंग ऑफ नरिशमेंट, रिंग ऑफ नरिशमेंट फायरिंग फीचरिंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम टू रीगेन हेल्थ अपॉन किलिंग एन एनिमी. नॉट बैड, एक्सप्लोरेशन के लिए अच्छा हो सकता है, बट अपन को फिलहाल ज़रूरत नहीं है. ये वो टफर एरियाज के लिए जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हील्स भी कम पड़ रहे हैं. बैल्कनी टाइप का बनाया क्यों है? I can see a witch. वो है क्या? बट कितना बड़ा सा है वो. आई थिंक ये प्रॉपर बॉस फाइट है. हाँ, अरे ये वो बॉस है शायद जो डेवलपर्स ने शो किया था. हाँ, जब इसका प्रॉपर गेम प्ले जब आया था ना, तो इन्होंने एक बड़ा सा फायर बॉस शो किया सा था. ये वही है शायद. उन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज में अपने वेपन थोड़ा सा फायर वाला है, हल्का से डिसएडवांटेज उतना नहीं. इन्फर्नो बिल्ड वाले सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज पे रहेंगे ये बॉस फाइट में. उसके मुंह के अंदर से हाथ निकल के आया. लॉल, अब तक का सबसे खतरनाक बॉस डिजाइन. बॉस फाइट के थ्रू रेंज्ड वाला है क्या? कोई नहीं, मुझे थोड़ा समझ गया करना क्या है. वो रेजिस्टेंट है लेकिन फिजिकल अटैक के. तुम देखो अपन को पर्पल पे वाइट नहीं सॉरी ग्रे पे डैमेज आ रहा है, वाइट पे भी नहीं आ रहा है. अपन को एक फायर रेजिस्टेंट वाली चीज़ लगेगी.
ऑर्डर प्रोवाइडिंग इंक्रीज डिफेंस टू फायर। और क्या अपने पास ये Cures burns and provides temporal increased resistance to ये लगेगा इसके जगह पे ये ले लेते हैं। सेकेंड फेज तो ऐसे ही लग रहा है कि एक्स पे ही मारना पड़ेगा क्योंकि मैं जमीन पे खड़े नहीं रह सकता। प्रोजेनी फ्लैश आईबॉल पता नहीं क्या क्या है। गेमिक बॉस फाइट था थोड़ा सा ही है।
the music on the horizon. Perhaps that's what will fill the holes in the world. I'll dance in its wake, pluck it from the air and bring it home. It's not so far away. Not so far at all. उधर रास्ता जा रहा है, यहाँ पे और कुछ है क्या आसपास? वहां से अपन आए थे, वो चेक पॉइंट ही है सामने। Old Monstrous Large Sword. Old Monstrous Large Sword. Long Sword. Quality weapon. Strength और agility दोनों skill कर रहा। Proper area है यार ये तो। मुझे पहले ये नाइट को मारना पड़ेगा पहले। तुम रोल करके बर्न वाली चीज ना जल्दी हटा सकते हो। हर एक में पैरासाइट क्यों लगा हुआ है इधर? अच्छा पैरासाइट आई थिंक वो लोकेशन पे लगा हुआ है।
हाँ वही है। विच है नीचे, ये तो मेमिक है। एक्चुअली मेमिक्स को मारने का फायदा है, ये जो ये ड्रॉप करते हैं ना चार्म्ड पो, ये तुम्हारा लक इंक्रीज करता है। तो जब तुम चीज़ें फार्म कर रहे हो ना, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर आर्मर, कोई वेपन किसी एनिमी का, या फिर कोई एनिमी किसी टाइप की चीज़ें ड्रॉप करता है, तुम वो फार्म कर रहे हो, तो ये खा के फार्म करो, वो मतलब गिरने का चांस ज़्यादा होता है। ओ वहाँ पे ये हीलिंग आइटम है इधर। चलने की आवाज किसकी आ रही है? ऑफ कोर्स बैनर जेवलियन ऑफ प्रोटेक्शन, ये थ्रोएबल आइटम है शायद। प्रोबेबल आइटम है वो, करता क्या ये एग्जैक्टली? चार एमिनेशन कॉस्ट, स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी स्केलिंग, नॉट एग्जैक्टली श्योर। इसका डैमेज कम है, जैवलिन ऑफ प्रोटेक्शन ही अपन को प्रोटेक्शन या कुछ प्रोवाइड करते हैं, बाद में ट्राई करके देखना पड़ेगा। ऊपर कुछ लूट या समथिंग है, वो देख के आते हैं। तुम अम्ब्रेला रेल में इन पैरासाइट्स को सीधा वेपन मार के डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये वही पैरासाइट था जो इन लोगों पे लटका हुआ था पहले। सेकेंड यहाँ पे करना क्या एग्जैक्टली? आई थिंक उसको पुल नीचे से करना है क्या? जो रीपर्स है जिनको अपन मैंने भी मारा था अमरल रेल वाले एनिमीज, उनके वेपन्स भी काफ़ी बढ़िया है। उनके दोनों वेपन्स मिल गए तो वो भी बहुत बढ़िया हो सकता है। अरे इसकी चलने की आवाज़ आ रही थी, आई डोंट थिंक वो इतना पीछा करेगा। सवाल ये कि मैंने जो भी चीज़ एक्टिवेट की हो इतने देर टिके रहेगा कि मैं इतना पूरा।
crushing gaze. किधर है भाई तू? I don't think रोइनर को मारने में उतनी दिक्कत होनी चाहिए अपन को. अपने पास एक्स है तो उसी से निपट जाना चाहिए ही है. एक और ओल्ड वॉन स्ट्रीट सॉर्ड अपन को पहले भी मिला था ना. दो दो मिल गए क्या? रेगुलर डिलीरियम इधर में और कुछ बचा नहीं है. अगर मैं कूदा तो अच्छा हवा से उतर तो सकते ही अपन. आई गेस यहाँ पे एक फ्लावर बेड लगा देते हैं. मुझे लग रहा था कोई की या कुछ लगेगा अभी ये ओपन करने में. या डियर्स अथॉरिटी ऐसे पहले एक और स्पेल मिला था डियर समथिंग करके. ये सब तुम्हारे इन्फर्नो वाले स्पेल हैं. जो भी एडियर वाले स्पेल है ना एडियर तुम्हारा केओस मैजिक यानी कि फायर मैजिक यूज करता है. एनीवेज काम करते हैं एपिसोड ये पे रैप अप करते हैं. जाने से पहले अपने हीलिंग अपग्रेड ले लेते हैं. अपने लैम्प का अपग्रेड आया वो भी कर लेते हैं. स्ट्रेंथ 39, 38 पे हेल्थ बढ़ाया जाए क्या ताकि मैं ज़्यादा, क्योंकि अभी मेरा स्ट्रेंथ 38 पे है और मैंने रिंग पहन रखा है तो वो ऑलरेडी 41 पे जा चुका है. अपन हेल्थ बम्प अप कर सकते हैं ताकि अपन आर्मर हैवी वाला पहन सके. अच्छा दोनों हेल्थ में डालूँ या वाइटलिटी में डालूँ? दोनों में वेट मेरा अभी बस एक से इंक्रीज कर रहा है. गेम के स्टार्ट में वेट 3 से इंक्रीज करता था फिर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद 2 से इंक्रीज करते हैं. अभी 1 से इंक्रीज कर रहा है. आई गेस हेल्थ बढ़ाते हैं. मे बी हेल्थ 35 एंड एंड्योरेंस 25 उसके बाद सारा पॉइंट स्ट्रेंथ में मे बी ताकि अपन थोड़ा अच्छा आर्मर पहन सके ना ओवरऑल. ऐसे कोई रिंग अभी तक मिली नहीं जो अपना वेट कम कर दिया ना. यूजुअली हर सोल्स गेम में होती है ताकि अपन थोड़ा और हैवी चीज़ें पहन सके कैरी कर सके. एक तो ये ग्रैंड सॉर्ड्स इतने हैवी होते हैं. Our holy work continues, lamp bearer. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through me. And into you. Use the odd stone. एक सेकेंड odd stone क्या है? यहाँ पे तो नहीं है कुछ भी ऑड स्टोन वाला. ये था क्या? ये था. That stone, it looks different somehow. But I know it. When I was a girl at the orphanage, there was a very kind woman, Iris. She gave it to me. This was before the hallowed sentinels found me. I felt so afraid and alone, but Iris helped me overcome my fears. I lost the stone long ago, but now here it is again, all these years later.
I wish I could say the same of the orphanage. And Iris. हाँ, ये मुझे याद आया अपन को कहाँ से मिला था। अपन जब लोअर कालरात एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था ना, तो अपन एक मेमोरी देखी थी जिसमें एक छोटी बच्ची ऑर्फनेज से भाग गई थी, एंड फिर उसे जब ये लोग ढूंढ लेते उसके बाद उसे ये स्टोन कुछ देता है, ऐसा समथिंग है। बट वो बच्ची का नाम एलियन या ऐसा समथिंग था, तो आई एम नॉट श्योर कि मतलब पिएटा ये हॉलो नाइट ज्वाइन करने के बाद इसने अपना नाम पिएटा में चेंज किया कि एलियन कोई और थी, क्या पता, क्योंकि स्टोन अपन को वहीं से मिला था। नॉट श्योर कि एग्जैक्टली इसकी बैक स्टोरी है क्या। A Ravager's Rosary. While the Dark Crusaders have never established a formal presence in Mornstead, as you can see, our reach knows no bounds. As a former Ravager himself, Imperator Jacob would be pleased to see this return to the Aphotic Sanctum. You serve a higher purpose, Crusader. To strive in darkness, in light we walk. मोलू के पास जाके आ जाते हैं, लैंप अपग्रेड करते हैं, और एक आई भी उठाया था अपन ने। अच्छा, अपन ने बॉस को भी तो मारा, यहां तक देख लिया था। ये बॉस कास्ट इन्फर्नो सॉर्सरीज विद नॉन इन्फर्नो कैटलिस्ट। अच्छा, बेसिकली अगर तुम अम्ब्रल या बेसिकली अम्ब्रल बिल्ड के लिए तुम अगर अम्ब्रल बिल्ड बनाए तो तुम्हें अम्ब्रल कैटलिस्ट या अम्ब्रल मैजिक यूज कर सकते हो। बट अम्ब्रल बिल्ड का मतलब है तुम इन्फर्नो एंड रेडियंस दोनों में पॉइंट डाल रहे हो, तो तुम ये रिंग यूज करके अम्ब्रल कैटलिस्ट के साथ ये इन्फर्नो का स्पेल भी यूज कर सकते हो। ये तो स्पेल है, ये बंदा कोई कुछ वेपन दिया ही नहीं इसने। अपने दो सॉकेट्स खुल गए। इंक्रीज्ड सोल फ्ले स्टन ड्यूरेशन प्लस 25% रेड रेजिस्टेंस। अपन को सेकेंडरी वाला चाहिए कुछ ना। अपने प्राइमरी में क्या लगा रखे, प्राइमरी करते हैं कि प्लस 1 सोल चार्ज, ओके, प्लस 15% रेड रेजिस्टेंस। डॉजिंग एट द राइट टाइम अप्लाइज वेदर टू एन अटैकिंग एनिमी। डॉजिंग एट द राइट टाइम का मतलब क्या है? लेकिन regain withered health upon using an enemy with upon killing an enemy with a grievous strike, immunity to damage for 8 seconds umbral। मैं एक बार ये ट्राई करके देखना चाहता हूं ये एग्जैक्टली मीन क्या करता है। डॉजिंग एट द राइट टाइम अप्लाइज वेदर टू द अटैकिंग एनिमी, देखना पड़ेगा ये कितना इफेक्टिव है। एंड सेकंड इसमें कुछ ये ड्रेड रेजिस्टेंस डाल देते हैं, 25 ड्रेड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये मुझे 15% रेड रेजिस्टेंस दे रहा था, तो उसके अगर 25% रेड रेजिस्टेंस लगा दिया। ओके, हैं ये किधर गया बंदा? Dear friend, I venture into frigid fale of Inranger, hoping you will find the courage to follow in my footsteps. Seek the windmill in the ruined hamlet at Spoke, nearby stands the entryways to the place which is clearly integral to your destiny. Seek the windmill in the ruined hamlet Red Scope, for the nearby stands. Okay, do not be cowed by the fear that so shamefully marks those of the lesser merit, your comrade amidst adversity, Sir Andreas of Epp. Okay, I think Hamlet naam ka ek windmill, sir, wind red scope windmill, ha isi ki to baat kar raha tha. Acha, Hamlet dusra hai. तो ये लोकेशन मुझे याद आया कि ये यही दरवाजा तो नहीं खुलता ना, आइस लगा हुआ यही होगा। हाँ, यस,
देयर वी गो, बट ये अपन अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे. फिलहाल अपन जो कालराज जो एरिया है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये एरिया एक्सप्लोर करके यहाँ पे एक चेक पॉइंट लेना पड़ेगा. उससे अपन को ये आइडिया लग जाएगा कि लेवल का ये जो एरिया उसका लेवल क्या है, क्योंकि अपने पास और जो पाथवे और मेमोरियल एरिया जो अपन ने लास्ट एपिसोड में खोला था वो भी बचा हुआ है, वो भी अभी तक अपन ने पार नहीं किया. लेकिन कालरात ही अभी फुल्ली कंप्लीट हुआ नहीं है. एक और वो कैप्टन भी गायब हो गया यहाँ से, जिससे अपन ने पिलग्रिम्स पॉच की खरीदी थी ना, उसके पास कुछ अच्छे अच्छे आर्मर सेट्स भी थे. इनका कैप्टन था, इनसे पूछते हैं कुछ. If you're looking for the captain, he's left for the manse alone. Nathaniel and I wanted to accompany him, but he wouldn't hear of it. Told us to keep an eye on things here. But I wonder at that. अच्छा, मांस वो एरिया जो साहब पाथवे करके जो एरिया जो अभी तक का सबसे टफेस्ट एरिया, सबसे ऊपर वाला चेक पॉइंट है वो, तो उधर तो बाद में ही जाएंगे. Captain was prepared to carry that umbral burden, even though the man already carries burden enough. If your paths cross out there, you do right by him, because lamp bearer you may be, but even lamp bearers feel pain just fine. हाँ, ये जो है ना एक नया डॉग जो है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली आया कहाँ पे. मैंने इंटरनेट वगैरह पे चेक किया तो उसमें लिखा था कि जब तुम मिस्ट्रेस ऑफ हाउंड मिनी बॉस को मार देते हो, जो अपेरेंटली काफ़ी तुम्हारी स्टार्टिंग गेम की आई गेस सेकंड मिनी बॉस है गेम की, उसके बाद एक ये कुत्ता इधर आ जाता है. एंड ये डॉग का अपेरेंटली कुछ ना कुछ साइड मिशन है, बट अभी तक कोई भी मतलब कहीं पे भी मुझे मिला नहीं एग्जैक्टली साइड मिशन करना क्या है, या फिर अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया एग्जैक्टली साइड मिशन वर्क कैसे करता है. मैं भी श्योर नहीं हूँ क्या है, बट मुझे लग रहा है मे बी उस साइड मिशन करने के बाद तुम मे बी उस डॉग को भी समन कर सको बॉस फाइट के लिए, जैसे अपन नॉर्मल लोगों को करते हैं ना, ऐसे शायद तुम उस डॉग को भी समन कर सको. हाँ, मेरा वेपन अपग्रेड कितने का हो रहा है? अरे मेरे पास वो आइटम ही नहीं है जो चाहिए ना अपग्रेड के लिए, छः चाहिए. एनीवेज, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.